यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब फिर यहां 8 सीटों के लिए मतदान की तैयारी है। एक दो नहीं, कुल 85 उम्मीदवारों की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि अब उनकी किस्मत के फैसले की बारी है। नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, ये लोकसभा की वो 8 सीटें हैं जहां दूसरे चरण में वोट डाले जाने हैं। सबसे पहले बात अमरोहा की। अमरोहा लोकसभा सीट के लिए कुल 16,43,000 मतदाता हैं। यहां त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर कंवर सिंह तंवर पर भरोसा जताया है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से बीएसपी के कुंवर दानिश अली मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने सचिन चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। 5,70,000 मुस्लिम, 2,75,000 पिछड़ी जाति, 1,25,000 जाट और इतने ही सैनी मतदाताओं वाली इस सीट पर महागठबंधन का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो यहां कुल 16,92,000 मतदाता हैं। यहां भी मुकाबला त्रिकोणीय नजर आता है। बीजेपी ने यहां से राजकुमार चाहर को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और महागठबंधन से श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित प्रत्याशी हैं। वोट बैंक की बात करें तो यहां क्षत्रिय 3,20,000, ब्राह्मण 2,90,000, जाट 2,00,000 और करीब 1,50,000 कुशवाहा मतदाता हैं। वहीं मथुरा लोकसभा सीट के लिए कुल 17,86,000 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। बीजेपी ने जहां एक बार फिर हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है, तो वहीं महागठबंधन से कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस से महेश पाठक प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस सीट पर कांटे की टक्कर हो सकती है। यहां जाट, ब्राह्मण और ठाकुरों का एक बड़ा वोट बैंक है। 3,80,000 जाट, 2,80,000 ब्राह्मण और 2,10,000 वाले ठाकुर मतदाताओं के साथ यहां 1,70,000 मुस्लिम वोटर भी हैं। मथुरा से सटी अलीगढ़ लोकसभा सीट में कुल 18,73,000 वोटर हैं। यहां बीजेपी ने एक बार फिर सतीश कुमार गौतम पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद चौधरी बिजेंद्र सिंह को लगातार पांचवी बार मैदान में उतारा है। महागठबंधन की ओर से अजीत बालियान जंग में है। यहां के 3,50,000 मुस्लिम और 2,00,000 जाट मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। यही वजह है कि इस बार महागठबंधन कांग्रेस दोनों ने जाट उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। शिवपाल यादव की पार्टी ने जाट उम्मीदवार को ही यहां से खड़ा किया है, लेकिन जाट वोटों का बंटवारा ही यहां बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बन रही है। जिन 8 सीटों के लिए दूसरे चरण में चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 4 सीटें नगीना, बुलंदशहर, आगरा और हाथरस सुरक्षित सीटें हैं। नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट के लिए 14,93,000 वोटर हैं, जबकि बीजेपी सहित 7 प्रत्याशी यहां से चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने एक बार फिर अपने मौजूदा सांसद यशवंत सिंह को उतारा है, जबकि ओमवती कांग्रेस से और महागठबंधन की ओर से बीएसपी के गिरीश चंद्र चुनाव लड़ रहे हैं। 6,22,000 मुस्लिम, 3,25,000 पिछड़ी जाति और 1,53,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी में कांटे की टक्कर होती दिख रही है। 7,36,436 वोटरों वाली बुलंदशहर लोकसभा सीट से 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। बीजेपी के वर्तमान सांसद डॉक्टर भोला सिंह एक बार फिर मैदान में है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से बीएसपी के योगेश वर्मा और कांग्रेस की ओर से पूर्व खुर्जा विधायक बंशी सिंह पहाड़िया चुनावी जंग में है। वोट बैंक पर नजर डालें तो यहां 3,00,000 मुस्लिम, 2,10,000 ब्राह्मण, 2,10,000 वैश्य मतदाताओं के साथ पिछड़ी जाति के करीब 25,000 वोटर हैं। कुल 33,09,967 मतदाताओं वाली आगरा लोकसभा सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। बीजेपी ने इस बार प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल पर भरोसा जताया है। गठबंधन से मनोज सोनी और कांग्रेस से प्रीता हरित प्रत्याशी बनाए गए हैं। आगरा के वोट बैंक की बात करें तो यहां 2,70,000 मुस्लिम, 2,80,000 पिछड़ी जाति, 3,15,000 वैश्य और 1,30,000
बघेल मतदाता उम्मीदवारों का मुस्तकबिल तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। हाथरस 18,31,000 वोटरों वाली हाथरस सीट से बीजेपी ने राजवीर सिंह दिलेर पर दांव खेला है। कांग्रेस ने त्रिलोकी राम दिवाकर और महागठबंधन ने रामजीलाल सुमन को यहां से मैदान में उतारा है। 1,50,000 मुस्लिम और 5,00,000 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वोट बैंक से 7 यहां जाट, यादव और दूसरी जातियों के करीब 5,50,000 मतदाता हैं। जहीक पिछड़ी जाति के वोटरों की तादाद यहां 5,00,000 है। इस सीट पर फाइट ट्रायंगुलर ही दिखाई दे रही है। बहरहाल बात मुद्दों की जाए तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना एक बड़ा चुनावी मुद्दा था, लेकिन दूसरे चरण में गन्ने की जगह आलू को बड़ा चुनावी मुद्दा माना जा रहा है। इस चरण में 8 लोकसभा सीटों में से 4 पर आलू का मुद्दा हावी रहने वाला है। दूसरे चरण की खास बात ये भी रही कि विवादित बयान देने के चलते बीजेपी के स्टार प्रचारक और सीएम आदित्यनाथ योगी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव आयोग की पाबंदियों की वजह से इन सीटों पर आखिरी दौर की अपनी जनसभाएं नहीं कर पाए। जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट।